नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ मनोज शर्मा। यूपी के फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के बड़ाहार स्थित राज स्वीट एंड रेस्टोरेंट में धनतेरस की रात हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा। दुकान के मालिक राजकुमार सिंह ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन सोशल मीडिया में जैसे ही वीडियो वायरल होने लगा, वैसे ही पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। वहीं इस मामले में डिप्टी एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि 26-27 अक्टूबर की रात को एक मिठाई की दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पूरा चोरी का वीडियो सीसीटीवी के माध्यम से सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इसके बाद पीड़िता की तहरीर के अनुसार पीड़ित द्वारा चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया और जल्द ही इस घटना का अनावरण भी किया जाएगा। थाना औंग के अंतर्गत बड़ाहार चौराहे के पास स्थित राज मिष्ठान भंडार में 27/28 अक्टूबर की रात में एक चोरी की घटना प्रकाश में आई है, जिस संबंध में राज मिष्ठान भंडार के मालिक द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है। उक्त तहरीर के आधार पर चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उपरोक्त के संबंध में सीसीटीवी फुटेज की सहायता ली जा रही है एवं अन्य फतारसी सुरागसी के माध्यम से घटना का जल्द अनावरण किया जाए। तो ये थे फतेहपुर से हमारे संवाददाता नफीस जाफरी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर।